अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हिबा मदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए के साथ घर की ग्लोसरी की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने लगी हूँ कि कैसे उसको सेट करते हैं, कैसे क्या क्या ग्लोसरी में मंगवाते हैं। तो मैं आपको अपना जो खुद मैं अपने घर में कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, आज मैं स्टार्ट करती हूँ। एक साइड पे तो मैंने ये होम किचन, जो होम आइटम्स होती हैं किचन से अलावा वॉशरूम की, और जैसे कि घर में यूज होती हैं हार्पिक और सॉप, एक्सल कपड़ों के लिए, ये एक आइटम्स अलग कर दी हैं और बाकी किचन आइटम जो हैं वो अलग कर दी हैं ताकि मुझे आपको दिखाने में आसानी हो। तो चले जी, हम अब सबसे पहले जो होम आइटम्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। जी तो जनाब, हाँ जी, ये देखें हमारी होम आइटम्स हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं ये है फिनाइल। इसकी बहुत ज़रूरत होती है, जब भी हम मॉप लगाते हैं तो इसे घर में स्मेल ना आए या फिर जर्म्स वगैरह से हमारा जो घर है बिल्कुल पाक हो जाए, तो वो मॉप में ये ज़रूर थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, तो ये फिनाइल मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये जो सर्फ एक्सेल है, ये कपड़े धोने के, कपड़ों को वॉश करने के लिए यूज़ होता है। सर्फ एक्सेल ऐसे है कि ये कपड़ों के दाग धब्बों को बिल्कुल दूर कर देता है, जैसे वाइट कपड़े हैं और उनमें बहुत सी शाइन पैदा कर देता है, तो इसलिए मुझे कपड़ों के लिए ना सर्फ एक्सेल ही अच्छा लगता है। तो सर्फ एक्सेल का मैं ना 2 kg का जो बिग है ना पैक, जो वो मंगवा लेती हूँ। इससे ये है कि मेरे 2 month इजीली यूज गुजर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक बार मैं बड़ा ही पैक जो होता है 2 kg का, वैसे तो इसका 1 kg का भी है, 1/2 kg पैक का भी है, तो मैंने वो भी यूज करके देखा है, और 3 kg का भी है। और इसके अलावा जो ये है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं ओपन खुला सर्फ मंगवा लेती हूँ। ये घर की सफाई के लिए, जैसे मॉप वगैरह धोने के लिए और भी जो छोटे छोटे घर में वॉशरूम का यूज होता है, तो उसके लिए भी ये इजीली खुला सर्फ यूज हो जाता है। और उसके साथ ये जो मैंने मंगवाए हैं ये हैंड वॉश है, ये आप देख सकते हैं ये हैंड वॉश है। हैंड वॉश चेजर से मैंने सामान मंगवाया, तो ये चेजर का अपना हैंड वॉश है, तो ये वॉशरूम में हैंड वॉश करने के लिए मैं यही यूज कर लेती हूँ, तो ये अच्छा रहता है हैंड वॉश। तो इसके ये देखें, ये बहुत मुनासिब प्राइस में है। 1 liter की ये बॉटल है जी, आप देख सकते हैं 1 liter की ये बॉटल है और प्राइस भी इसकी बहुत नॉर्मल है, तो ये ठीक रहता है। ये 2 मैंने हैंड वॉश करने के लिए ये मंगवा लिए, साथ ये फिनाइल 2 हो गए, और उसके साथ हार्बिक ये यूज करती हूँ। वॉशरूम का टॉयलेट वगैरह या उसकी टाइल साफ करने के लिए हार्बिक ठीक रहता है, तो स्विप वगैरह जो है वो कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन ज्यादा हार्बिक ही यूज होता है। और उसके अलावा ये वाले सोप जो मैंने मंगवाए हैं, ये आम यूज करने के लिए है, और कुछ लेक्स मंगवा लिए हैं, लेक्स भी ठीक रहता है। और उसके साथ ये जो ऑयल है सरसों का, ये मैंने सुल्तान का मंगवाया है, ये देखिए, ये मैं ऐसे ही बॉटल्स में मंगवा लेती हूँ। और उसके अलावा ये आप टूथपेस्ट देख सकते हैं, कोलगेट की है, और उसके साथ टीथ ब्रश है, और उसके साथ ये टिश्यू है, टिश्यू का पैक है। टिश्यू तो आपको पता है हर घर की जरूरत है, उसके बगैर 1 मिनट भी गुजारा नहीं है। जैसे कि हिबा छोटी है तो हमें भी वो हर टाइम टिश्यू यूज करना पड़ता है। तो जी जनाब, ये हमारी हो गई होम की सब होम आइटम्स। इसके बाद मैं आपको जो शो करती हूँ वो किचन आइटम्स शो करती हूँ। तो जी जनाब, ये हमारी होम किचन आइटम्स हैं, ये देख लें, इसमें मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, लेमन मैक्स, ये किचन के लिए सबसे पहले और जरूरी चीज है, जो कि हम बर्तनों को वॉश करने के लिए यूज करते हैं। और बाकी ये देखें, ऑयल सुल्तान का मैं लेती हूँ, इसी तरह घी भी सुल्तान का। और इसकी मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन करना दिखाती हूँ, मैक्रोनी, उसके साथ ये देखें जो चाय की पत्ती है वो देखें, तपाल। वैसे मैं लिप्टन यूज करती थी, इस बार मैंने ये तपाल को आज इस बार मैंने कहा ये यूज करके देखते हैं। और इसके अलावा ये देखें मैक्रोनी, ये दालें हैं सारी,
और यहाँ पे स्पाइसेस है सब, और वहां पे कॉर्न फ्लोर, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, सॉल्ट और ये कस्टर्ड, ये सब चीजें किचन ही आइटम्स की हैं। तो इसको मैं आपको ऑर्गेनाइज करना दिखाती हूँ अब जी। तो जनाब ये मेरे पास बॉक्सेस हैं, इसमें मैं अपने स्पाइसेस वगैरह को सेव करती हूँ। ये मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। स्पाइसेस को, बॉक्सेस को मैंने वॉश कर लिया है और इनको ड्राई भी कर लिया है। अब इसमें ये देखें, जी तो देखें यहाँ पे मैंने अपने सूखे धनिया को इसमें डाल दिया है और ये इजीली इसमें सेव रह सकता है। इसी तरह मैं सारी स्पाइसेस डाल के जी। तो जनाब ये देखें यहाँ पर मैंने अपनी ये जो जीरा, काली मिर्च, सूखा धनिया इसको सेट कर लिया है। अब आपको बाकी चीज़ें सेट करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास बॉक्स है, ये बॉक्स आप देख सकते हैं। इसी बॉक्स पे मैंने अपने ऑयल को सेव करना है। ये देखें सारे पैक मैंने इसमें सेट कर देने हैं, इससे ये बिल्कुल सेव रहेगा। और जैसे जैसे मुझे यूज़ करना है और मैं लेती जाऊँगी, और इससे गिरने और फटने का भी कोई खतरा नहीं होगा। ये इस जार में मैंने ये सेट कर दिए हैं। ये डब्बा है, इसमें मैं बाकी सामान सेट कर दूँगी। इससे ये कि मेरी सेटिंग बिल्कुल कैबिनेट में ऐसी हो जाएगी कि जो चीज़ मुझे जहाँ से चाहिए मैं आसानी से ले लूँगी और मेरा पूरा मंथ ईजीली गुजरेगा। इसकी सेटिंग भी मैं आपको दिखा दूँ। ये सॉप मैंने यहाँ पे सेट कर दिए एक साइड पे। और ये वाले सॉप मैंने यहाँ सेट कर दिए। अभी सब सॉप एक साइड पे सारी सेटिंग हो गई है। इसी तरह ये क्रीम मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं अभी इसे इसी सामान में सेव कर दूंगी, जब चाहिए होगी मैं इजीली ये ले सकती हूँ। तो ये जनाब मुझे सुप्रीम की मैंने पत्ती ली है, तो तपाल की, सॉरी, मैंने पत्ती ली है और तपाल की पत्ती के साथ मुझे ये एक अदद ट्रे फ्री मिली है। ये मैंने 1 kg वाला पैक लिया था तो जिसके साथ ये ऑफर थी, तो मैं ये ओपन करके दिखाती हूँ। पत्ती भी बहुत यूज होती है तो एक बार ही मैंने फिर 1 kg का पैक मंगवा लिया। तो उसके साथ आप ये देख सकते हैं ये खूबसूरत सी ट्रे मुझे तपाल की तरफ से फ्री मिली है। बड़ी प्यारी सी ट्रे है, इस पर तपाल दानेदार लिखा है और साथ ही ये पैक है। तो पत्ती का पैक बिल्कुल पैक है, अभी मुझे नहीं चाहिए, जैसे ही चाहिए होगा तो फिर मैं ओपन कर लूंगी। तो उसको मैं यहीं पे अभी सेव कर दूंगी। मैंने अभी दालों के लिए कोई ना जार या बॉक्सेस नहीं खरीदे, तो फिलहाल अभी वो मैंने परचेज करनी है, तो फिलहाल मेरे पास ये बॉक्सेस है, जैसे कि मिठाई स्वीट वाले या सोन हलवे वाले, तो मैं उसी को ना दालों के लिए यूज कर रही हूँ। देखें ये भी मसूर की दाल है, को साफ कर लिया है मैंने, अच्छे से क्लीन कर लिया है, ड्राई भी कर लिया है। तो अब ये मैंने इसमें डाल के इसका ये देखें इसको अच्छे से बंद कर दें। ये काफ़ी सारे हैं तो मैंने कहा इसको भी यूज़ किया जाए, मैं और भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी एक ये वाली दाल थी मेरे पास, ये मैंने डाल दी है और अब इसको भी बंद कर देंगे। ये माश की दाल है, ये दालें देखिए मेरे पास सेफ हो गई हैं। ये चने की दाल है तो इसको भी मैंने डाल दिया है, ये इस बॉक्स में मैंने सेव कर दिया है।
इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी जब आपने पकवाना है, जल्दी से जितनी आपको दाल चाहिए वो बॉक्स निकालें और उसकी उसका साइज करके निकाल लें, और ये सेफ भी रहेंगी। इसी तरह मेरे पास हैंड वॉश बोतल है जिसको मैं ओपन करके अपने ये जो है हैंड वॉश सारा इसमें डाल दूँगी, जिसको हम इजीली वॉशरूम में रख के यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जी तो ये देखें, मैंने इसमें हैंड वॉश डाल लिया है। ये हम मैं इसको वॉशरूम में रखूंगी जिससे आसानी से हम यूज कर सकते हैं। इसमें ऑनी जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो इस बॉक्स में डालती जाऊंगी, जब मुझे ज़रूरत होगी उसको तब यूज करनी है। जैसे कि ये मैक्रोनी है, ये जब पास्ता बनेगा तब यूज़ होगी। और इसके अलावा ये स्पेगेटी है, ये पैकिंग में है तो इसको मुझे ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इजीली। इसी तरह ये स्पाइस में रेड मिर्च है, इसको भी अभी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, पैकेट में है। और इसी तरह यहाँ पे विम है मेरे पास लेमन मेक का, तो उसको भी हम पाउडर जो है इसको भी हम इजीली रख सकते हैं। और यहाँ मेरे पास पास्ता है, पास्ता सेम ये है, इसको भी यहाँ पे रख देंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जब भी एक्स्ट्रा चीज़ें इनकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको तब मैं ओपन कर लूँगी इजीली। जी तो जनाब, ये मेरा ऊपर वाला कैबिनेट है, इसमें मैं अब ये अपनी स्पाइसेस और दालें सेट करने लगी हूँ। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, इस बॉक्स में मेरा बेसन है और इसमें ओपन साल्ट नमक। ये नमक इसलिए यूज़ होता है जैसे कि किसी भी बॉयल राइस में ये ठीक रहता है, तो खुले राइस वगैरह में इसमें मैं ये यूज़ करती हूँ। और बाकी ये देखें, ये सूखे धनिए के जो स्पाइस हमने रेडी की थी, के साथ ही ये ज़ीरा और ये है काली मिर्च, ये चीज़ें यहाँ पे रेडी। और अब इसके साथ ही मैंने जो दालों के बॉक्स रेडी किए थे वो मैं ऊपर सेट कर दूँगी। ये हमारे दालों के बॉक्सेस, इसमें सारी पल्सेस डालें। जी तो जनाब, अब मेरे पास ये छोटी छोटी स्पाइसेस और पड़ी हैं, तो ये मैं फ्रंट पे सेट कर रही हूँ ताकि इजीली हो। और ये इसके अलावा ग्रीन टी है आम यूज़ करने के लिए। और ये बॉक्सेस जो हैं, इस बॉक्स में मेरे पास मैदा है जिसको मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। ये कस्टर्ड का बॉक्स यहाँ पे रख देते हैं। इसके अलावा ये है व्हाइट कोरमा। इस कैबिनेट की आप सेटिंग देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। सारी सेटिंग इस तरह है कि इजीली हर चीज ली जा सकती है। आगे मैं आपको नेक्स्ट कैबिनेट दिखाती हूँ। जी तो ये मेरी आप कैबिनेट देख सकते हैं, इसमें जो हमने बॉक्सेस रेडी किए थे, ये ऑयल वाला बॉक्स है, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, और ये बाकी सामान वाला बॉक्स है। इस तरह हमारी ये सेटिंग हो चुकी है। जी जनाब, तो मैंने जितनी आपको आइडिया दे सकती थी कुछ चीज़ों का, मैंने आपको होम ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया दे दिया है। ये जो चीज़ें रह गई हैं ये होम की हैं, तो ये मैं किसी रूम की कैबिनेट में सेट करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।